अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। जी तो व्यूअर्स, आज आपके लिए लेके आई हूँ 3 टाइप एग्स एंड वेजीज। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें मैं बटर डालूंगी और इसके ऊपर मैं शामिल कर दूंगी 2 एग्स लिए हैं मैंने। ये मैं आपको ब्रेकफास्ट की रेसिपी दे रही हूँ, तो इसके लिए मैं आपको दो तरह के आपको सैंडविचेस बनाने में दिखाऊंगी, जो बहुत जल्दी और मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं। आप भी अपने नाश्ते में दें, हेल्दी डाइट दें बच्चों को, बड़ों को, तो आपको ये सैंडविच पसंद आएंगे। ये जी, सबसे पहले ये हमने इसमें, आपने देखा मैंने मक्खन डाला था, अब ये हो गए जी हमारे सैंडविचेस। ये इसके अंडे तैयार हो। इसमें 1 पिंच काली मिर्च और थोड़ा सा इसमें मैं 7 नमक शामिल कर दूंगी। बस, तो मिक्स वेल। अब इसके लिए हम करेंगे ब्रेड गरम। ये मेरा बस मुझे इसी तरह का चाहिए। इसको जी ब्रेड मेरी फ्राई हो गई है, अब इसकी मैं फिटिंग करूंगी। अब इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मायनीज के शामिल कर दें। नमक हमने इसीलिए भी कम डाले, आपको पता है मायनीज में भी नमक होता है। ये जी, ये बन गए हमारे। अब इसमें इसकी हमने फिलिंग भर के करनी है अच्छी तरह, ताकि इसमें आपको पूरी प्रोटीन मिले। ये जी, ये हमारा जी फुल प्रोटीन सैंडविच तैयार है। इसके लिए जी इसकी जर्दियाँ मैंने अलहदा कर ली हैं और इसको फोक की मदद से ना हमने इस तरह मैश कर लेना है। ये दोनों हमारे हो गए मैश। अब इसको हमने कटिंग करना है। ये सैंडविच बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए, आप नाश्ते में भी बच्चों को दे सकते हैं, अपने बड़ों को भी घर में ये दें, ख़ासतौर पर बुज़ुर्गों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। क्योंकि बुज़ुर्गों को तो कहते हैं ना, जब 40 साल के बाद तो आपको अंडा तो वैसे ही हमें ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन 40 साल के बाद तो हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। तो हमें इस तरह की चीज़ें आप बना के दें, सब आपके घर में शौक से खाएंगे। इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून मायनीज। अब इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा इसमें हमने किया है शामिल नमक। इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मायनीज इसमें मैंने और शामिल की है, क्योंकि इसमें 2 टेबलस्पून मुझे कम लग रहे थे। तो ये इस तरह जी ये हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसकी फिलिंग करनी है। अब रोज़ाना एक ही तरह का नाश्ता करके ना हर बंदा उकता जाता है। नान सालन हो गया, अंडा ब्रेड हो गया, आमलेट ब्रेड हो गया, तो इस तरह आप अपने नाश्ते को चेंज भी करें। कभी बच्चों को कुछ दें, कभी कुछ दें, तो फिर नाश्ते से बच्चे हो या बड़े, वो उकताते नहीं हैं, वो शौक से फिर वो नाश्ता करेंगे। तो और आपको भी खुशी होगी कि चले आपके घर वाले नाश्ता करके गए हैं।
ये दो तरह के सैंडविच हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको तीसरी टाइप बताऊंगी वो हमने किस तरह बनाने हैं। इसमें हमने अंडे को हमने फोक की मदद से इसी तरह कचूमर कर लेना है। इसको आप कचूमर सैंडविच भी कह सकते हैं, चीज़ सैंडविच भी कह सकते हैं, जिस तरह का भी आप नाम दें, ये आपके ऊपर है कि आप अपनी पसंद से इसको नाम देंगे। और अब जी इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी इसमें काली मिर्च। अब इसमें मैं शामिल करूंगी मायनीज, जी। और अब इसमें मैं शामिल करूंगी, पहले इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्सिंग आप अच्छी तरह करें क्योंकि फिर अगर कहीं पे नमक रह गया, कहीं पे काली मिर्च रह गई तो वो भी मुंह में आएगी, तो सुबह सुबह आपको नाश्ते में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको सही तरह से मिक्सिंग करेंगे। अब इसकी हम फिलिंग करेंगे इस तरह। फिलिंग सही तरह करनी है क्योंकि आपको पता है फिलिंग के साथ ही इसका टेस्ट आता है। तो इसी तरह हम ये दोनों अंडों की फिलिंग करके ये श्रेड की हुई चीज है, अब इसके ऊपर हम ये लगा देंगे। ये जी ये लग गई हमारी चीज भी इसके ऊपर। अब इसकी हम कवर इसको करेंगे और इसको ग्रिल पे हम काट लेंगे। अब इसको आज आपको मैं फ्राई वाले ही दे रही हूँ सारे। इसमें यह है कि मक्खन के साथ, मैंने कहा चलें आज आपको बेहतरीन नाश्ता करवाएं कि मक्खन के साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है नाश्ते का ना। घी का भी अपना टेस्ट होता है लेकिन मक्खन का जो बनता है ना आपका नाश्ता वो बहुत अच्छा बनता है। आप भी अपने घरों में इस तरह ब्रेड लगा के बनाएं, शौक से खाएंगे घर वाले आपके। चीज़ सैंडविच भी तैयार हो गए हैं। आपको सुबह सुबह हमने 3 टाइप सैंडविच बना के दिए हैं ताकि आप भरपूर नाश्ता अपना इंजॉय कर सकें। ये देखें माशाल्लाह से। ये जी हमारा बेहतरीन नाश्ता तैयार है। आपको ये सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये सैंडविच बने हैं। आप भी अपने घरों में ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान को वसत दे रिज़्क़ के हिलाल के साथ। इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।